ये मस्त चीज है कुनाली, खाने वाली। भारी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे दिल्ली में। हम फार्म हाउस पर रुके थे कल, काफी मजा आया यहाँ पे। तो फिलहाल भी हम यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं और इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाएंगे हम यहाँ से। आज हमको वापस जाना है हल्द्वानी, देखते कौन जीतता है। और गाइस, मैंने बोबिया को बोला है अगर मैं जीता तो बोबिया मेरे को ऑफ रोडिंग कराएंगे रेंगलर में। किसके पहले 10 होते हैं? एक मेरा भी हो गया, 3 हो गए, ओहो 4। गाइस, मैं एक हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ फिर भी मैं जीत रहा हूँ। बोबे रेडी हारने के लिए? हो गया 10-4, जीत गया मैं। गाइस इतना इजीली जीत गया मैं, 6 पॉइंट से जीता हूँ मैं, 6 पॉइंट से हार गए। अब ऑफ रोडिंग कराओगे? उससे पहले यहाँ सब्जी वगैरह तोड़ लेते हैं जो कि हम हल्द्वानी लेके जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्जियां सारी ना। सबसे पहले आंवला तोड़ते हैं, पेड़ पे ही चढ़ता हूँ मैं, काफी ऊपर चढ़ गया हूँ। फेंकूं? हाँ। काफी मोटे वाले आंवले हैं गाइस, मुझे वहां तक पहुंचना है। देखो कितने सारे लगे हुए यहाँ पे। तो गाइस आंवले तो निकाल लिए, नहीं ज्यादा नहीं बस। तो चुकंबर निकाल लिया, अब निकाल रहे हैं मूली। अरे हो गया, हो गया छोटा है प्याज अभी। चलो भाई, मूली भी हो गई, प्याज भी हो गया, पपीते तो कच्चे हैं यार, चीकू भी कच्चा है। चलो संतरे रख लेते हैं, ले लेते हैं एक दो नींबू भी ले लेते हैं। गाइस ये देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, इनको हल्द्वानी लेके चलेंगे। खेत में काम करने वाले। हरी सब्जी तो मेरी फेवरेट है ना, तो मेथी वेथी ले जाते हैं। तो ये मेथी हो गई भाई, धनिया में से क्या खुशबू आ रही है, पुदीना पुदीना। और भी काफी सारी चीजें लेकिन वो कच्ची हैं अभी, तो कच्ची नहीं ले आ सकते ना। मेरा मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतनी शांति इतना मस्त है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ बेथुआ लेके जाए यहाँ से, मम्मी के हाथ के पराठे खाएं इस बेथुए से। बेथुआ कहाँ है? बेथुआ भी मंगा लेंगे। मतलब ये फॉर सेल नहीं है, बट उन्होंने जो बनाई है सब्जियाँ ना, जितनी भी लगी है अपने लिए तो एक्सेस हो जाती है, तो जितना फ्रेंड सर्किल है सबको घर में भेज देते हैं। आगे गए रेंगुलर, ये है रेंगुलर। तो गाइस ये है रेंगलर जो कि आपको थार की तरह दिख रही होगी, लेकिन थार इसकी तरह लगती है, थार कॉपी कर रखी है इससे। और ये देखो ये काफ़ी लंबी है थार से। और ये है इसकी चाबी, देखो इसकी चाबी मस्त है जीप की। मैं पहली बार बैठूंगा इसमें, अंदर से देखते कैसी है, अंदर से भी प्रीमियम है यार देखो। और आगे से देखो थार की तरह दिख रही होगी ना, हमने अपनी थार ऐसी बना रखी है, पूरा खुला खुला लग रहा है इसमें, खुला खुला देखो। चलो अब निकलते हैं फार्म से बाहर जीप लेके। गाइस इसका बोनट देखो कितना मस्त है, लेकिन गाइस ये महंगी भी है थार से। कितने की है? 80 लाख की है। थार 18-19 लाख की जाती है। गैस चलाने में तो थार से बहुत अलग है, ये चलाने में बहुत मस्त है, बहुत प्रीमियम सी लग रही है। बॉडी रोल भी नहीं है, पावर भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है। वैसे गड्ढे फील नहीं हो रहे इसमें, थार में गड्ढे फील होते हैं। पूरी झाड़ियों में आ गए हम, देखो ये झाड़ियां झाड़ियां सब जगह। अरे क्या कर रहे हो? कमेंट करना कि मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि थार तो मैं बोबिया को दे रहा हूँ ना। ये व्हाइट कलर में भी आते, व्हाइट कलर में मस्त लगती है, बहुत फर्क है ना, बहुत ज्यादा। तो भी गाइस फार्म हाउस से पहुंच गए और हमने दोनों गाड़ी साथ में लगा दी है, रेंगलर भी और थार भी। और दोनों में कलर भी डिफरेंस है, रेंगलर का कलर थोड़ा स्पोर्ट्स कार वाला है लेकिन इसका थोड़ा डार्क रेड है। सामने थोड़ी सेम लग रही होगी आपको, और ये थोड़ी ऊंची भी है, देखो थार से ऊंची भी है। वैसे थार ऐसी आती नहीं आगे से, मैंने करवा रखी है इसकी तरह, कॉपी करा रखी है इसकी, लेकिन जो रेंगलर है वो ऐसी ही आती है। वैसे तो गाइस दोनों कंपैरिजन बनता नहीं है, बिकॉज वो 80 लाख की है, वो 18 लाख की है, बहुत फर्क है। बट मैंने चलाई, काफी लोग बोलते हैं कि सेम है, बट मुझे बिल्कुल भी सेम नहीं लगी, मुझे तो काफी अलग लगी। बट अगर हम पैसे के हिसाब से देखें ना तो थार बेस्ट है, 18 लाख के हिसाब से बेस्ट है। और बाकी फीचर वीचर और कंफर्टेबल है, लंबी है, ये तो बेस्ट है ही, लेकिन पैसे के हिसाब से ये भी बेस्ट है। इसको हम रेंगुलर बना सकते हैं इसकी तरह से, जैसे मैंने बना दी है। लेकिन पीछे से मुझे थार ज्यादा पसंद है, मुझे थार का ये वाला लुक पसंद है। दोनों के टायर्स में भी डिफरेंस है, देखो इसके टायर बड़े हैं, इसके टायर ऊंचे हैं, इसके नीचे हैं, ठीक है। हाइट भी इसकी ऊंची है, इसकी नीचे है, देखो ये ऊंची है, ये नीचे है। गाइस मुझे खुद कंफ्यूजन था कि कैसी होगी रेंगलर, मैंने आज चला के देखी तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया कि हाँ थार से अच्छी है। तो अब चलते हैं लंच करने के लिए, लंच करते हैं और फिर चलते हैं सीधा हल्द्वानी। तो गाइस मेरी थाली तो रेडी है, यहाँ पर देखो रोटी, अचार, प्याज, लाल चटनी, हरी चटनी, मक्खन, दाल, साथ में लस्सी। और ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, घर सब कुछ घर पे बना हुआ है, चूल्हे की रोटी है ये। और सबसे मेन चीज क्या मालूम, 1 किलोमीटर पे दिल्ली है और 1 किलोमीटर हम ये बैठे हैं देसी स्टाइल में फार्म में। ऐसा लग रहा है उधर पेड़ है बट ये मिरर है। तो खाना पीना भी हो गया, अब सामान पैक करते हैं, बहुत लेट हो गए, 4 बज गए हैं। अब हम हल्द्वानी पहुंचेंगे रात के 10 बजे।
तो ये सारी सब्जियां हैं जो कि हम लेके जा रहे हैं गाइज। इन बच्चों ने फार्म हाउस भी ढूंढ लिया, देख लो गाइज। कुछ भी कहो, थार तो थार है अपनी भाई। ये मतलब ना बुराई कर रहा था मैं, बुराई नहीं कर रहा था थार की। गाइज एक चीज दिखाता हूँ जो कि रेंगलर में नहीं हो रही थी, जो कि थार में हो रही, दिखाता हूँ आपको। देखो अब देखो ये देखो, ये रेंगलर में नहीं हो रहा था, उसके सस्पेंशन इतने तगड़े है ना। ये देखो, ये देखो, ये रेंगलर में नहीं हो रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था, उसमें गाड़ी उछल नहीं रही थी वो। ये बहुत उछल रही है, देखो थार बहुत उछलती है। ये देखो, और इसमें आवाज भी बहुत आती है, देखो ये देखो ये। बस ये चीज मुझे अच्छी लगी रेंगलर की। तो भैया हम रुके हैं मम्मी के लिए जूता लेने के लिए स्केचर्स पे। काफी लोग बोलते हैं स्केचर्स जूता ले लो मम्मी के लिए, मम्मी पैर में दर्द आता है ना। तो फिलहाल रुके यहाँ पे, थार वहाँ पे खड़ी कर दी है, अब चलते हैं अंदर। तो देखते हैं मम्मी जी के लिए कौन सा जूता लेंगे हम, कंफर्टेबल चाहिए मम्मी जी के लिए बिल्कुल। तो ये वाला जूता पसंद आया और ये बहुत कंफर्टेबल है, देखो नीचे से। चलो भाई अब चलते हैं बाहर। तो भाई जूते लेके निकल गए और टाइम देखो भाई 8:30 हो चुके हैं गाइस। हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, जंगल आ चुका है, देखो पहुंच गए सोसाइटी, फाइनली पहुंच गए घर। प्रणाम बाबा जी, श्रद्धा आ गई वाली। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? 11:12 हो गए देखो, और कुणाल अभी तक नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? कल सुबह स्कूल नहीं आना, नहीं आना, जाना जाना। तो फिर यार 11 बज गए। मैं शाम को सोया था, शाम को दिन में सो गया था, शाम को उठ गया। कुणाल इतने छोटे क्यों? सोड़ता मैं एक शादी में गया था। अच्छा हाँ, तो मैं तो मेरे को उल्टी जैसा हो था ना, मैं इनोवा में गया था, वहाँ उसमें बहुत, तो मैंने खिड़की खोली थी बहुत देर तक। अच्छा सोड़ता क्या लाई है? ये मस्त चीज है कुणाली, खाने वाली। भारी है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसका नाम है चकोतरा। मम्मी जी उठ गई है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं है ठीक, ठीक नहीं हुआ अब? ठीक कहाँ होता है? अरे हो जाएगा। मैंने कहा रोटी खाएगा? रोटी खाऊंगा, भूख लग रही है, कहीं रुके हैं रास्ते में। चकोतरा खाया आपने? अरे बहुत टेस्टी है ये। अब इससे डोले शोले बनाना, सिक्स पैक देंगे और लीजिए। तू बना अपना सिक्स पैक बना। हां सो रहा हूं। तो फिलहाल डिनर करता हूँ, तो यहाँ पे 3 सब्जियां और रोटी है। तो खाना फिनिश, अब मैं एडिटिंग करूंगा, बाकी सब सो चुके हैं। तो भी रात के 1:30 बज गए, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मुझे नींद आ रही है, तो इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ए सब्जी वाले भैया, सब्जी कैसे दे रहे हो? नहीं ये बेचने के लिए नहीं है। ओहो ओनली फॉर फ्रेंड्स ओनली फॉर फ्रेंड्स।